मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे बहुत पेट दुख रहा है। उसको कितना केयरिंग और लविंग हस्बैंड दिया है भगवान ने, पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे। मुझसे क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा? कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, कितने टेक्निक्स यूज कर ली, हो क्या रहा है? लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं होना। ऐसा अगर आप लोग फील करते हैं तो आपके सोलर प्लेक्सस या आपके मणिपुर चक्र की बैंड बजी हुई है, एकदम अनबैलेंस्ड है, इनएक्टिव है, ब्लॉक्ड है और उसके ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया और आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हमारे थर्ड चक्र यानी कि मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस। अगर ब्लॉक हो, इनएक्टिव हो, ओवर एक्टिव हो, कोई भी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं हो रही हो, तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, वो कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी लाइफ, उन सब के बारे में आज बताने वाली हूँ। और उसको हील कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, एनर्जाइज कैसे करना है, इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोगों के लोअर चक्रस जो कि है रूट चक्र, सेक्रल चक्र या मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस, बहुत ही इनएक्टिव या ओवर एक्टिव या इम्बैलेंस होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी मटेरियलिस्टिक सक्सेस रिलेटेड या रिलेशनशिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में और हमें समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं पर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको उस क्यों का जवाब मिल जाएगा। सो डोंट मिस एनी पार्ट एंड वॉच टिल द एंड। सो हमारा मणिपुर चक्र जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, वो लोकेटेड होता है हमारी नेवल के या नाभि के 2 इंच ऊपर और उसका कलर होता है येलो। अब ये जो हमारा सोलर प्लेक्सस है वो सेंटर है हमारी आइडेंटिटी का, हमारे ईगो का। हम कितना पावरफुल फील करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद पे कितना विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, कितना स्ट्रांग विल पावर है हमारा, डिटर्मिनेशन कैसा है, सेल्फ एस्टीम कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करता है हमारा सोलर प्लेक्सस। तो सोचिए, अगर सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग नहीं होगा या प्रॉपरली बैलेंस नहीं होगा तो हमारी आइडेंटिटी के रिलेटेड, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के रिलेटेड, हमारे सेल्फ डाउट के रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में। हम खुद को कितना कम महसूस करेंगे, डाउट करेंगे खुद पे, सेल्फ एस्टीम डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ऐसा लगेगा कुछ भी लाइफ में कंट्रोल में नहीं है, राइट? सोलर प्लेक्सस अगर स्ट्रांग हो तो वो हमें सही डिसीशंस लेने में मदद करता है लाइफ में, हमें पावर देता है टू क्रिएट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्र फॉर अ सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ। लेकिन अगर वो ब्लॉक्ड या इनएक्टिव या ओवर एक्टिव हो गया तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आएगा लाइफ में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वेरी लो सेल्फ एस्टीम। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड होगा तो हम हमेशा खुद को दूसरों से कम समझेंगे, हम किसी काम के नहीं हैं या टैलेंटेड नहीं हैं या फिर किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना हमें। हम हर मोमेंट लोगों की अप्रूवल के लिए भागते रहेंगे कि हम कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमें दूसरों का अप्रूवल चाहिए होगा कि हाँ ठीक है, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये सही है। अगर वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुद के बारे में डाउट होने लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट राइट। हमारे एक्शंस तो क्या, हम हमारी सोच के लिए भी दूसरों से अप्रूवल लेने लगते हैं कि तू ऐसा सोचती है, मतलब हमें खुद के ऊपर डाउट होने लग जाएगा, शिट मेरी सोच ऐसी नहीं हो सकती। हर एक चीज़ के लिए हम वैलिडेशन मांगते हैं कि हम सही है, हम खुद को सही बोले इतना इनफ नहीं होता हमारे लिए, हमें हर दूसरे इंसान से वो वैलिडेशन, वो अप्रूवल चाहिए होता है क्योंकि हम खुद पे विश्वास नहीं करते, हमारा सेल्फ एस्टीम ऑल टाइम लो पे रहता है, किसी काम के नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा फील होता है। सेकेंड साइन ऑफ अ ब्लॉक्ड और इनएक्टिव सोलर प्लेक्सस इज दैट यू विल बी वेरी वेरी एंग्री एंड जेलस। यस, हमें हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा। दूसरों की खुशी को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरों के सक्सेस को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमें वो देख के बुरा लगेगा कि यार हम उस सिचुएशन में क्यों नहीं है, वो क्यों है, मुझे होना था।
हर छोटी चीज से जेलस होगा, हम अच्छे हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाएंगे, वी विल नॉट बी हैप्पी एंड जॉयफुल इनसाइड। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है ऐसे पर्सन की जो अच्छे से मैनिफेस्ट करता है कि वो हमेशा जॉयफुल मूड में रहता है, उसको दूसरों की खुशी से प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमें दूसरों की खुशी से प्रॉब्लम होने लगेगी, वी कैन नेवर मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट इन लाइफ। तो अ ब्लॉक्ड सोलर प्लेक्सस विल ऑलवेज कीप यू इन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ जेलस। बस जलन होगी दूसरों की तरक्की से, मुझे चाहिए, बस सब कुछ मुझे चाहिए। एंड गुस्सा आएगा, चिढ़ होगी। ऑब्वियसली जब हमें लगेगा कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए या सब दूसरों को मिल रहा है, तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ से इरिटेशन और चिढ़ होगी, और वो गुस्सा हमारे सारे रिलेशंस को भी खराब कर देगा। नाउ द थर्ड साइन ऑफ अ इनएक्टिव और ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस इज देयर विल बी एन इंटेंस डिजायर टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, हर चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करनी है, परफेक्शनिस्ट होनी, ये ऐसा ही होना चाहिए वरना हमें गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे आसपास के लोग इतने दुखी हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ना। आप ये नोट कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, उनका सोलर प्लेक्सस गया हुआ है। और वो ऐसा करते क्यों है पता है? बिकॉज अंदर ही अंदर उन्हें ये फील हो रहा होता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, लोग उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी अपनी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो लैक ऑफ कंट्रोल की फीलिंग को भरने के लिए वो एक्सेसिव डिजायर हो जाती है चीज़ें कंट्रोल करने की, कि नहीं है ना कंट्रोल में, कैसे नहीं है, मैं तो करके बताता हूँ। ऐसे करके उनका वो नेगेटिव रिजिड बिहेवियर हो जाता है दूसरों को लेके, और ये कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से एंगर इश्यूज भी होते हैं। हमें गुस्सा तभी आता है ना जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं बट कंट्रोल नहीं हो पाती चीज़ें। तो एंगर एंड कंट्रोल इश्यू दोनों इंटर रिलेटेड है। कोई भी छोटी सी चीज़ भी वो नहीं चलाएंगे, हर चीज़ एकदम डॉट टू डॉट ऐसे ही होनी चाहिए। OCD जिनको है उसमें भी ये चांसेस है कि उनका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है अलॉन्ग विद सेक्रल चक्र। बिकॉज सेक्रल चक्र भी अगर वीक है तो वो ऑब्सेसिव बिहेवियर होगा, लेकिन साथ में अगर सोलर प्लेक्सस भी वीक है तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करनी होगी चीज़ें, एकदम ठीक से, एकदम परफेक्शन में करनी होगी। तो अगर आपको OCD है तो सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस को अच्छे से आपको हील करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। एंड हाँ, मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी रूट चक्र और सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, एंड उनको क्लीन, हील, एनर्जाइज कैसे करना है, उसके एफर्मेशंस एंड मंत्र के वीडियो बनाए हुए हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग जरूर जाके देख। अब जो फोर्थ साइन है ऑफ अ ब्लॉक्ड और इम्बैलेंस्ड सोलर प्लेक्सस इज दैट यू विल बी हाईली डीमोटिवेटेड एंड फील कि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। हमारे जो लोअर चक्रस होते हैं यानी कि हार्ट के नीचे के चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्र एंड रूट चक्र, वो रिलेटेड होते हैं लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ के रिलेटेड। तो अगर ये तीनों इम्बैलेंस होंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें फील होगा कि हमारा लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कुछ करना नहीं है, हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर क्यों करना है, नहीं करना, छोड़ो ना यार, एकदम वैसा लेजी डीमोटिवेटेड वाला बिहेवियर हो जाए। होता हो तो ठीक है, नहीं होता हो तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा वाला एटीट्यूड हो जाएगा अगर सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड हो तो। सो आप देख रहे हैं ओवर एक्टिव होगा तो या तो आप एक्सट्रीम भागोगे चीज़ों के पीछे उसको परफेक्ट करने में, इनएक्टिव हो तो फिर आप एकदम छोड़ ही दोगे, डीमोटिवेटेड, जा कुछ भी नहीं करना लाइफ। फिफ्थ साइन बताने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोगों के अगर कोई भी रिक्वेस्ट्स है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विथ अ हैशटैग आस्क भानुप्रिया। ये हैशटैग अगर आप डालेंगे कमेंट में साथ में तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट रिसर्च करने बैठूंगी ना तो मेरे को ढूंढने में आसानी होगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो क्या चाहते हैं। सो राइट नाउ कमेंट डाउन विथ अ हैशटैग कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। Fifth sign of a blocked solar plexus is very low self-confidence and self-doubt. आप खुद के हर डिसीजन को, हर एक्शन को डाउट करोगे, खुद पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, हर चीज़ में दूसरों से पूछने जाओगे क्योंकि आपको खुद के डिसीजन पे विश्वास ही नहीं है, और इसकी वजह से ना ही आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। तो ये ऐसे इंटर रिलेटेड होता है कि आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते तो आपको लगता है कि अरे देखो मैंने तो गलत डिसीजन लिया। इसकी वजह से आप हमेशा दूसरों के अप्रूवल के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए वेट करते रहते हैं कि नहीं किसी और से पूछ के ही काम करना है, क्योंकि खुद में तो इतनी कॉन्फिडेंस, इतना
स्किल है ही नहीं, ऐसा मानते हो आप लोग, खुद पे तो विश्वास ही नहीं है, सेल्फ डाउट करते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये चीज़ पूछी है कि सेल्फ डाउट को हील कैसे करना है। तो डियर, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट करते हो, खुद की एबिलिटीज़ पे या आपके एग्जिस्टेंस पे या आपकी ओपिनियंस पे या आपके लुक्स पे या किसी भी तरीके से खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना कि आई एम नॉट गुड एनफ, ऐसी वाली फीलिंग है ना, देन प्लीज़ वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस राइट नाउ। सिक्स्थ इज, पूरे दुनिया की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इनडाइजेशन, पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर रहती है, जो कि 99% लोगों को आज के टाइम पे रहती है, वो एक ब्लॉक्ड सोलर प्लेक्सस की निशानी है। एंड नोट करना, 99% जो लोगों को बहुत ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम रहती है ना, स्पेशली एसिडिटी, उनको गुस्सा भी बहुत आता है, बिकॉज एसिडिटी एंड एंगर बोथ आर साइन ऑफ अ वीक मणिपुर चक्र। तो अगर आपका पेट खराब है अभी, देन सोच लो आपको और दूसरे कोई रीजंस की ज़रूरत ही नहीं है, अभी के अभी चालू हो जाओ सोलर प्लेक्सस को हील करना। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी, उसके लिए पूरा वीडियो देखो और साथ में कमेंट करके बताओ कि ये जो 6 मैंने साइंस बताए उनमें से एक भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। आई गारंटी कि ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिनमें इन 6 में से एक भी एप्लीकेबल ना हो, एक भी पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम उनके लाइफ में ना हो। बिकॉज अभी के टाइम पे जैसी हमारी ईटिंग हैबिट्स है, जैसी हमारी थिंकिंग हैबिट्स है, सोलर प्लेक्सस पे सीधा सबसे पहला इफेक्ट आता है। अब जो 7th एंड द लास्ट पॉइंट है या साइन है दैट योर सोलर प्लेक्सस और मणिपुर चक्र इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो ये है कि देर विल बी इनएबिलिटी टू क्रिएट लाइफ यू वॉन्ट। यस, आप सक्सेसफुली वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो अगर आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है। वाई? बिकॉज मणिपुर चक्र इज सेंटर ऑफ विल पावर। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए लाइफ में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इच्छा शक्ति ही मजबूत नहीं होगी तो जो हम इच्छा करते हैं वो लाइफ में लेके कैसे आएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। हम कोई भी चीज़ में विश्वास भी तभी कर पाएंगे जब हमारा विल पावर है उस चीज़ में कि नहीं ये ऐसा ही है, मैं ऐसा क्रिएट करूंगा ही, मेरे में ये शक्ति है। जब इस लेवल का कॉन्फिडेंस, जब इस लेवल का विश्वास, जब इस लेवल का विल पावर होगा तभी हम उस चीज़ में एक ब्लाइंड फेथ कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, लाइक दिस इज माई रियलिटी। सो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो आप चाहते हैं लाइफ में, देन आपको सिर्फ सोलर प्लेक्सस नहीं, मैं तो बोलती हूँ आपको तीनों लोअर चक्र, सोलर, सेक्रल एंड रूट पे अच्छे से काम करने की सख्त ज़रूरत है अगर आप अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को और रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना चाहते हो। तो अब सोलर प्लेक्सस को हील कैसे करना है ये बताने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, चक्र बैलेंसिंग रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में जिसके बारे में आप किसी से बात करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कम टू मी एंड बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन, काउंसलिंग और कोचिंग सेशन बाय सेंडिंग अ DM टू मी ऑन Instagram। मेरा Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर DM करके सेशन बुक कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, देर आर मेनी वेज इन विच वी कैन हील अवर चक्रास। उसमें इंक्लूड होते हैं एक रेकी हीलिंग, आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, रेगुलरली खुद को हील कर सकते हैं। सेकेंड है एफर्मेशंस, हर चक्र के रिलेटेड कुछ एफर्मेशंस होते हैं उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, जिसके ऊपर मैं ऑलवेज वीडियो बनाती हूँ हर एक चक्र का, जो ब्लॉकेज वाला वीडियो है ना उसके बाद मैं एफर्मेशन वाला वीडियो भी बनाती हूँ गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू, तो वो आप सुन के भी अपने चक्र को हील कर सकते हैं। देन यू कैन लिसन और चांट बीज मंत्र, हर एक चक्र का मैंने बताया है बीज मंत्र भी होता है। अगर आप नहीं जानते ये बीज मंत्र क्या होता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आइकन में डाल देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड हर चक्र के 108 टाइम्स बीज मंत्र चैंटिंग के वीडियोस भी मैं बना के डालती हूँ, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं चक्र हीलिंग के लिए। इसके अलावा हर एक चक्र के पर्टिकुलर योगा भी होते हैं, उसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो लाने के लिए कि हम योगा करके कैसे हमारे चक्र को बैलेंस एंड अलाइन कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट्स, तो उसके ऊपर मैं काम करूँ। और आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप
लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे कि ये मेरा जब देखो तो पेट क्यों दर्द होता रहता है, बिना रीज़न के गुस्सा क्यों आता रहता है, जेलस क्यों होता रहता है। हमें ऐसा होता है कभी कभी कि मेरे को होना नहीं है जेलस, पर मेरे को हो रही है जेलस, मैं करूँ क्या मतलब। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे कंट्रोल के बिना की फीलिंग्स हमारे अंदर आती है कि मुझे नहीं करना है यार गुस्सा, लेकिन नहीं हो रहा है बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल इट, क्योंकि अंदर से वो चक्र ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे कंट्रोल। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।